एक बार दो बच्चे आपस में बातें करते हुए रात में अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी वहां रास्ते में एक चीज सड़क पर गिरी हुई दिखती है और वो उसके पास जाकर उसे देखते हैं और वो देखते हैं कि वहां एक अजीब सा पुराना गेम है। ये तो एक गेम लग रहा है, मैंने सही कहा था ना रमेश? यार ऐसा गेम तो मैंने पहली बार देखा है। मैंने भी। तुम इसे अपने घर ले जाओ, कल इसे हम खेलेंगे। नहीं, क्या पता अगर ये किसी का हुआ तो? अगर ये किसी का होता तो यहाँ क्यों छोड़ कर जाता, तुम ले जाओ। ठीक है, मैं ले जाती हूँ। और वो उसे उठाकर अपने घर ले जाते हैं। यार तूने उस गेम को चेक किया? हाँ, उसमें कुछ अजीब से लैंग्वेज है और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। एक काम करते हैं, आज नाइट उस गेम को मेरे घर ले आना, मेरी मम्मी पापा अभी घर पर नहीं है तो हम उसे खेलेंगे। यार मुझे वो गेम सेफ नहीं लग रहा है, जब से मैं उसे घर लाई हूँ बहुत अजीब लग रहा है। हाँ तुझे डर लग रहा है ना, क्यों? नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। ठीक है, तो फिर आज रात में खेलते हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अनीशा रात में जब उस गेम को देखती है तो उस गेम का नाम चमक रहा होता है। वो नेम एक जैपनीज लैंग्वेज में था, तो अनीशा उसे गूगल से ट्रांसलेट करके देखती है और थोड़ा डर जाती है। द स्पिरिट, ये कितना अजीब नाम है। और फिर वो डरते डरते उस गेम को लेकर रमेश के घर चली जाती है। अनीशा रमेश को उस गेम का नाम बताती है और कहती है, मुझे नहीं लगता कि हमें ये गेम खेलना चाहिए। यार डर मत, ये बस एक गेम ही तो है और कुछ नहीं। चल अब हेल्प बुक में देखते हैं कि ये कैसे खेलना है। ठीक है, देखते हैं। रमेश और अनीशा हेल्प बुक देखकर उस गेम को खेलना शुरू करते हैं। उस हेल्प बुक में इंग्लिश में लिखा होता है, आस्क एनी क्वेश्चन, द डेविल इज रेडी टू आंसर बाय टर्निंग द एरो यस और नो। आई डोंट थिंक सो कि हमें ये गेम खेलना चाहिए। यार ये डेविल और स्प्रिट ना कुछ भी नहीं होता है, सब झूठ है। मुझे अब सच में डर लग रहा है। रमेश उस बुक में आगे पढ़ता है, उसमें लिखा था, यू हैव टू टर्न ऑफ लाइट्स व्हाइल प्लेइंग दिस गेम। तो रमेश अपने घर की सारी लाइट्स बंद करके एक कैंडल जलाकर उस गेम के पास रख देता है और फिर वो क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करता है। रमेश गेम से पूछता है, क्या तुम मेरे सभी क्वेश्चंस का आंसर दोगे? तभी एरो यस की तरफ मुड़ता है। क्या वहां रास्ते में इस गेम को किसी ने रख दिया था? एरो नो की तरफ घूमता है। क्या यहां हम दोनों के अलावा कोई और भी है? एरो फिर यस की तरफ मुड़ता है। तभी अनीशा पूछती है, क्या ये गेम वहां रास्ते में अपने आप आ गया था? एरो यस पर घूमता है। क्या इस गेम में कोई डेविल है? क्या हम किसी खतरे में हैं? एरो फिर यस की तरफ मुड़ता है। अब अनीशा और रमेश दोनों को थोड़ा थोड़ा डर लगता है। रमेश, हमें ये गेम आगे नहीं खेलना चाहिए, इसे बंद करो। मुझे लगता है ये कोई मजाक है, यार भूत रियलिटी में नहीं होते हैं। यार मुझे नहीं लगता, हम जितनी बार क्वेश्चन पूछते हैं ये आंसर देता है और इसमें कोई बैटरी जैसी चीज भी नहीं है। मुझे लगता है ये गेम थोड़ा अलग टाइप से है, चलो आगे खेलते हैं। तुम इससे पूछो कि क्या जो डेविल हमारे साथ बैठा है उसके साथ कोई गलत काम हुआ था? ओके, क्या आपके साथ कुछ गलत काम हुआ था? एरो फिर यस की तरफ घूमता है। तभी रमेश हेल्प बुक में सबसे नीचे देखता है
और वहां लिखा होता है थ्री पीपल गेम। रमेश डरता हुआ क्वेश्चन पूछता है, क्या आपका मर्डर हुआ था? तभी एरो स्पीड में घूमता है और यस पर आता है। रमेश, ये गेम सच में भूतिया है। ये तीन लोगों का गेम है और हम दो हैं। इसका मतलब वो हमारे साथ ही बैठा है। तभी अनीशा उस गेम को साइड करके रमेश का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो गेम अपने आप वापस वहीं पर आ जाता है और उसका एरो जोर जोर से घूमने लगता है और वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। रमेश डरता डरता हेल्प बुक उठाता है और दूसरा पेज पढ़ता है। उसमें लिखा होता है, डोंट क्विट इन मिड, द थर्ड पर्सन इज वॉचिंग यू। और फिर उन दोनों को कुछ महसूस होता है। रमेश, हेल्प बुक में देखो, उसमें लिखा होगा ये गेम कैसे स्टॉप करना है। ठीक है, मैं देखता हूँ। तभी अचानक अनीशा को उसके कपड़े पर कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो पीछे देखती है तो वहां पर कोई होता है। तभी रमेश क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम हम दोनों को देख सकते हो? तभी एरो यस पर घूमता है। क्या तुम एक गोस्ट हो? एरो फिर से यस पर घूमता है। रमेश, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ये गेम हमें नहीं खेलना चाहिए, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते हो। अच्छा सॉरी, बट अब हमें क्या करना चाहिए? मैं इस हेल्प बुक में देखता हूँ, शायद इसमें कुछ लिखा होगा। और तभी रमेश हेल्प बुक का लास्ट पेज पढ़ता है और उसमें लिखा होता है द एंड। और वो दोनों उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं और खेलते हैं। क्या हम यहाँ गेम स्टॉप कर सकते हैं? हम आपसे माफी मांगते हैं, हमने आपको परेशान किया। लेकिन उसका वो गेम कोई जवाब नहीं देता और अचानक रमेश को कोई पीछे से खींचकर कमरे से बाहर ले जाता है और कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। अनीशा बहुत ज्यादा डर जाती है। वो उस गेम को देखती है तो वो अपने आप हवा में आ जाता है और एरो अनीशा की तरफ मुड़ जाता है। अनीशा उस गेम की हेल्प बुक उठाकर लास्ट पेज फिर से पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, इफ समथिंग बैड हैपेंस देन कॉल द नेम ऑफ द गेम थ्री टाइम्स। द स्पिरिट, द स्पिरिट, द स्पिरिट, भूत, भूत, भूत। और तभी वो गेम फिर से अपनी जगह पर आ जाता है और उसके चारों ओर खून निकलने लगता है। और तभी अचानक से वो गेम भयानक आवाज के साथ गायब हो जाता है। अनीशा डर से नीचे बैठ के रोने लगती है। तभी उसे रमेश याद आता है और वो नीचे देखती है तो रमेश का खून निकल रहा होता है और वो बेहोश हो गया है। और इसी तरह वो वक्त उनकी लाइफ का सबसे भयानक वक्त था। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्केरी ड्राइव। Please like, subscribe and share with your friends.